का स्वागत है। आज का हमारा निबंध है बाल दिवस पर। आइए इस निबंध को देखते हैं। भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे और अच्छी तरह समझते थे कि आज के बच्चे इस भारत का भविष्य होंगे। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 1956 से उनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। 14 नवंबर भारत के इतिहास के महान व्यक्ति पंडित जी को याद करके सभी स्कूल कॉलेजों में मनाया जाता है। इस दिन स्कूल के बच्चों को सम्मान दिया जाता है और उन्हें समझाते हैं कि वे हमारे देश के लिए कितने मूल्यवान हैं। शिक्षक बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं और ढेर सारी चॉकलेट प्रदान करते हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शिक्षकों द्वारा छात्रों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इस दिन के महत्व के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में बच्चों को बहुत कम वेतन पर लंबे समय तक कठिन श्रम के लिए मजबूर किया जाता है। आधुनिक शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है, इसलिए वे पिछड़े रहते हैं। उन्हें अपनी स्थिति को ऊपर उठाने की जरूरत है, जो कि तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। देश के शिक्षक बच्चों की वर्तमान समस्याओं और उनके समाधान के बारे में अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखें। इस दिन को विशेष बनाकर सभी भारतीय नागरिकों को यह संदेश देना संभव है कि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। इसलिए एक बेहतर भारत तैयार करने के लिए बच्चों के व्यक्तित्व को मजबूत करें। भारतीयों को बच्चों के बेहतर भविष्य को तैयार करने की जरूरत है। आज तक के लिए इतना ही। इसी प्रकार से देखते रहिए और सीखते रहिए। फिर जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।